हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वास्थ्य शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 8 विषय संस्कृत का चैप्टर नंबर 4। सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसका पहला और दूसरा पाठ हमने आपको समझा दिया था, दूसरा तीसरा था। पहले हमने आपको वंदना समझाया, फिर चित्रपदानी 1 समझाई, फिर चित्रपदानी 2 समझाया, फिर तीसरा पाठ हमने आत्मश्रद्धाया प्रभाव का भी समझा दिया था। इस वीडियो में हम आपको यही सुधीरा के बारे में समझाएंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें वैसे कुछ है नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है, और आप इसको समझिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। पाठ का नाम है यही सुधीरा। पाठ का क्या नाम है? यही सुधीरा, यानी आओ सुधीर। इसका हम हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? आओ सुधीर। आओ सुधीर। तो इसके बारे में पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस पाठ में है क्या। संस्कृत भाषा की माधुरी को प्राप्त करने के लिए संस्कृत पद का गाना करना चाहिए, उसका गान करना चाहिए, यानी पहले हमें उसको पढ़ना चाहिए, उसके बाद संस्कृत काव्य के मधुरता को ऐसा करना चाहिए कि हमारे मन को प्रसन्नता प्राप्त करे। फिर इसके लिए श्री जनार्दन हेगड़े रचित द्वारा एक आधुनिक पद्य प्रस्तुत किया गया है। उस पद्य में ईश्वर भक्ति और राष्ट्रभक्ति की भाव व्यक्त किए गए हैं, उसे हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट हम इसके भावार समझेंगे, फिर इसके हिंदी में अनुवाद समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसे लिखेंगे, फिर स्वपोथी भरेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हम पहले इसको ये समझते हैं कि इस पाठ में है क्या। तो इस पाठ में ईश्वर के प्रति भक्ति और राष्ट्र के प्रति भक्ति का व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इसके लिए जनार्दन हेगड़े, यानी इसको जिसने लिखा है उसका नाम क्या है? जनार्दन हेगड़े। वो एक अनुचित पद्य प्रस्तुत किए गए हैं जिसका नाम है यही सुधीरा। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। यही सुधीरा यही सुबेक क्रमा खेलांगणाम गच्छाम धामन कुर्दन खेलने खेले वज्रकाय ताम बिंदा। दूसरा है यही सुशीले यही मृणालिनी पुष्पवाटिकाम गच्छाम विविधय कुसुमय विधाय मालाम विघ्न विनाश कर्माचस। नेक्स्ट है यही दिनेश प्रणव गणेश ज्ञानिधि समुच्चनाय यही शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान बारिथौ पिहरा। उसके बाद है तन्वा मनसा हितम चरंत सदा गुरून अनुगच्छाम भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थ जीवन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे विद्यार्थियों कि इस पाठ को लिखा किसने है। हमने आपको ऊपर भी बता दिया था कि इस पाठ को जनार्दन हेगड़े ने लिखा था। किसने लिखा था? तो जनार्दन हेगड़े ने लिखा था, जो यहाँ लिखा हुआ है उनका नाम लास्ट में। विद्यार्थी मित्र, तो सबसे पहले हम ये इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। यही सुधीरा, हमने आपको ऊपर ही इसका अर्थ बता दिया कि यही सुधीरा का अर्थ होता है आओ सुधीर। क्या होता है? आओ सुधीर। यही सुधीरा यही सुविक्रमा, आओ सुधीर और आओ सुविक्रम। खेलांगणाम गच्छामा, खेलने के मैदान में जाएं। हम कहाँ जाएं? तो खेलने के मैदान में जाएं। कवि इसमें कवि कहता है कि यही सुधीर यही सुविक्रम, ऐ सुधीर ऐ सुविक्रम, आओ हम खेलने के मैदान में जाएं। धावन कुर्दन चलने खेले वज्रकाय ताम बिंदाम, यानी हम दौड़ने के कूदने के और चलने के खेलों से। धावन मिस दौड़ना, धावन मिस क्या होता है? धावन मिस दौड़ना, कुर्दन मिस कूदना, चलने मिस चलना और खेलने मिस खेलना। इसमें जितने भी संस्कृत के शब्द दिए गए हैं सबके अर्थ अलग अलग हैं। धावन यानी दौड़ना, कुर्दन यानी कूदना, चलना यानी चलना और खेलने मिस खेलना।
वज्रकायताम विंदाम, और ये सब काम करने से, दौड़ने से, कूदने से, चलने से हमारी शरीर वज्र के जैसे मजबूत होगी। तो आओ हम खेल के मैदान में जाएं और ऐसी शरीर को वज्र जैसे मजबूत बनाएं। समझ में आया? तो आओ सुधीर आओ सुविक्रम, इसमें कवि कहता है कि यही सुधीरा यही सुविक्रमा, आओ सुधीर आओ सुविक्रम, खेलांगणाम गच्छाम, हम खेल के मैदान में जाएं और हम धावन कूदन चलने खेलें वज्र काय तम विंदाम, और दौड़ने से खेलने से और कूदने से चलने से हमारी वज्र से शरीर को मजबूती प्राप्त करें। तो ये आपका यही खत्म होता है। नेक्स्ट, यही सुशीले यही मृणालिनी पुष्पवाटिकाम गच्छाम, विविधे कुसुमय विरधाय मालाम, विघ्न विनाशक कार्य कमरचास कमरचाम, विघ्न विनाशक कमरचाम। हनी आओ सुशील आओ मृणालिनी, कवि कहता है कि और बच्चे बोलते हैं कि आओ सुशील आओ मृणालिनी, हम बागीचे में जाएं। कहाँ जाएं? तो बागीचे में जाएं, पुष्प वाटिकाम गच्छाम, और पुष्प के वाटिका में जाएं, बागीचा में जाएं जहाँ फूल का बागीचा है वहाँ जाएं। विविधय यानी विभिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के, कुसुमय विरधा यानी फूलों के माला बना करके, कुसुमय विरधाय मालाम यानी फूल फूलों का माला बना करके, विघ्न विनाशक अर्चा यानी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की पूजा करें। क्या कहते हैं इसमें? श्री गणेश जी की पूजा करने को कहते हैं कि ऐ सुशील ऐ मृणालिनी, आप आओ और हम बागीचे में जाएं। कहाँ जाएं? पुष्प वाटिका यानी फूलों के बागीचे में जाएं, जहाँ अनेक प्रकार के फूल हैं, फूल खिलते हैं, फूलों का खजाना है, वहाँ से हम तरह तरह के फूलों के माला बना करके विघ्न विनाशक यानी श्री गणेश जी की पूजा करें। नेक्स्ट है, एही दिनेश प्रणव गणेश ज्ञानिधि समुच्चनाय, एही शारदे गिरिजे वरदे ज्ञानवारिधे विहराम, तन्वा मनसा हितम चरंतम, सदा गुरुन अनुगच्छाम, भारत मातु सेवा सत्कार देश हितार्थ जीवाम। तो एही दिनेश, कभी कहता है कि एही दिनेश प्रणव गणेश ज्ञानिधि समुच्चय, एही शारदे गिरिजे वरदे ज्ञान वारिधौ विहराम, यानी आओ हे दिनेश प्रणव गणेश, आओ हे दिनेश प्रणव गणेश, हम ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें, ज्ञान निधि सचिनुयाम संचिनुयाम। आओ दिनेश प्रणव गणेश, ये सबको बच्चे बुलाते हैं कि ऐ दिनेश आओ, हे दिनेश प्रणव गणेश आओ, हम ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें। किसको प्राप्त करने को कहते हैं? ज्ञान निधि यानी ज्ञान का खजाना सम संचिनुयाम यानी प्राप्त करें, हम ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें। नेक्स्ट है, एही शारदे गिरिजे वरदे, आओ शारदे गिरजा शारदा गिरजा वरदा, यानी हम ज्ञान के सागर में विहार करें। इसमें ज्ञान निधि का अलग अर्थ है और ज्ञान वरिदों का अलग अर्थ है। जैसा कि आप, ये ज्ञान वरिदों का अर्थ हमको ये मिलेगा कि हम ज्ञान के सागर में, इसमें ज्ञान के सागर में विहार करें, और ये ऊपर वाले ज्ञान निधि का अर्थ होगा कि ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें। क्या कहे ऊपर के ज्ञान निधि का अर्थ क्या होगा? तो ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें, और नीचे ज्ञान वारिधो का अर्थ होगा कि ज्ञान के सागर में विहार करें। आपको ये प्रश्न मिल सकता है कि ज्ञान निधि यानी ज्ञान का खजाना, ज्ञान वारिधो यानी ज्ञान की सागर। तो नेक्स्ट है,
कि ये वापस एक बार हम आपको इसका अनुवाद समझाती हूँ कि यही दिनेश प्रणव गणेश, आओ दिनेश प्रणव गणेश, ज्ञान निधि संचिनुयाम, ज्ञान के खजाने को प्राप्त करें, यही शारदे गिरिजे वरदे, आओ हे शारदा गिरिजा वरदा, हम ज्ञान के सागर में विहार करें, ज्ञान वारिधव यानी ज्ञान के सागर में विहार करें। तन्वा मनसा हितम चरंतम, लास्ट है आपका कि तन और मन से, तन्वा मिस तन से, मनसा मिस मन से, तन और मन से लोगों के हित का आचरण करते हुए, हितम चरंतम लोगों के यानी हित का आचरण करते हुए, सदा गुरुन अनुगच्छाम यानी सदा गुरु यानी हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करें, सदा मीन्स हमेशा गुरुन यानी गुरुजनों का, अनुसरणम यानी अनुगच्छाम यानी अनुसरण करें, भारत मातु सेवा सत्कार, भारत माता का सेवा सत्कार, देश हितार्थ जीवा, भारत माता के सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है और देश की कल्याण के लिए हम जिए, ऐसा कहा गया है इस पाठ में। मैं एक बार और समझाती हूँ कि तन्वा मिस तन से, मनसा मिस मन से, तन और मन से हित का आचरण करते हुए, हितम यानी हित का आचरण करते हुए, सदा गुरुन अनुगच्छाम, सदा यानी हमेशा, हम हमेशा गुरुजनों का अनुसरण करें, और भारत माता का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है और उसके हम कर्तव्यी बने, हमारा देश कल्याण के लिए जिए, हमारा देश किसके लिए जिए तो कल्याण के लिए। तो विद्यार्थियों ये पाठ यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर और एक बार वापस आपको इसका रिवीजन करवा के वीडियो बनाऊंगी, तब तक के लिए जय गायत्री।